What's up guys? What a comeback! बाबर कब खेलेगा ऐसा? पाकिस्तान लोटा टीम है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट। ओ भैया ले, वीडियो की इंटरेस्टिंग एबी क्रिकेट रिपोर्ट चैनल से है। और भाई सब बांग्लादेश ने 26/6 से क्या कमबैक करा है? तो देखते हैं पाकिस्तान फिर आईसीसी को अपनी वो अपना रोना रोएगा, अरे पाईजान हमसे ना हो पा रहा डोमिनेट। 1 2 3 गो ईजान, लो तमाशा चेक करिए फिर आज का। ओके धन्यवाद। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, खींच दिया करो। नमस्कार। ये भिखारी कोई तरीका छोड़ेंगे पिलने का कि नहीं छोड़ेंगे? सारे तरीकों से पिल पिल के दिखा रहे हैं। ये लंच टाइम में प्रोलोन देने की तैयारियां हो रही थी और मैं इनके पीछे से आवाज मार के कह रहा था, ए सफेद कपड़ा। जब जब इन्होंने पजामे से बाहर निकल के सेलिब्रेशन करने की कोशिश की है, ये बहुत बुरा पीले हैं भाई। इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो पाकिस्तान टीम के ऊपर बिल्कुल सेट बैठते हैं। पोर्की की टीम कुछ कह रही है, सुन लो। लगाओ गोली ये बिकने आई, शौक से लूटो ये लूटने आई, तेरी महफिल है मेरा टूटा दिल है, अब जो भी चाहे तुझे सब हासिल है, अब जल के मरेगी बबरो परवाने की जवाब में आँख से छलका। आँख से नहीं छलका है, छलका तो कहीं और से है। भाई एक बात बताओ, क्या मेरी बबरो लिट्टन दास वाली पारी कभी जिंदगी में खेल सकती है? अगर पाकिस्तान 26/6 हो जाता, ये बीएसडी के कम से कम बहुत अच्छा खेल के 75 ऑल आउट हो जाते। अब ये बात, अबे गरीबी रेखा से भी नीचे जीने वाले लोगों, तुम्हें नाइट वॉचमैन के बारे में बताया किसने? नाइट वॉचमैन भेजेंगे, तुम्हारे सारे प्लेयर ही नाइट वॉचमैन वाली हरकतें कर रहे हैं। लाइक करके सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी, क्योंकि बांग्लादेशियों ने इनको खींच दिया भाई। नमस्ते। नमस्कार। ये भिखारी कोई तरीका नहीं छोड़ने वाले हैं। एक होता है भाई जलील होना, एक होता है कभी कभार जलील होना। yes. मतलब जलील होना और कभी कभार जलील होना, इनको आदत ही पड़ चुकी है। जस्ट अनदर डे। पर्कियो दे दिया फोलोन, लंच टाइम में इनकी बकैती सुनी थी तुम लोगों ने, ये फोलोन तो दे देना चाहिए पाकिस्तान को। ये भिखारी हो, गरीबी रेखा तुमसे ऊपर है, गरीबी रेखा तुमको यूं देखती है यूं नीचे होती, और तुम फॉलो सोची कैसी तुमने फॉलो ऑन देना, इतना बड़ा पाप कैसे? भाई 26 रनों पे 6 विकेट डाउन हो गई, 10-12 ओवर के अंदर अंदर आधे से ज्यादा टीम आउट होके चली गई है बांग्लादेश की। yes. बांग्लादेश को भी लगा कि मतलब मुझे लगा बांग्लादेश को देखे, मैंने कहा इन्होंने भी दिखा दी, मैंने कहा करतूत इन्होंने भी कर दी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं 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 ऐसे तो हो नहीं सकता ना। मतलब देखो मेरी बबरो 4 विकेट लेने के बाद भूल जाती थी। ये पढ़ा लिखा किधर गया? हाँ, ये पढ़ा लिखा बीए पास, 12वीं पास, बीए फेल, ये 6 विकेट लेने के बाद भूल गया। 165 रनों की पार्टनरशिप भाई, जब 26/6 आउट हो गए थे मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार क्या कोई चमत्कार हो सकता है, क्या बांग्लादेश की टीम 170 तक 160 तक 175 तक क्या जा सकती है? मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा भिखारी अगर 100 रन की लीड ले लेंगे, लेट्स लाफ गाइस, अगर 100 रन की लीड ले लेंगे भिखारी, तो मैंने कहा यार भाई फिर भी कम से कम ये रहेगा ना कि चलो बांग्लादेश की तरफ से किसी एक की अगर आउटस्टैंडिंग पारी आ गई तो भाई रफा दफा हो जाएगा मामला। लेकिन अगर मैंने कहा यार 26/6 विकेटें डाउन हो गई हैं, अगर यहां पे एक विकेट और डाउन हो गई, ये तो भैंस की आंख 60-70 पे ऑल आउट होने वाला काम हो गया ना, मतलब 100 से नीचे ऑल आउट होने वाला काम हो गया, तो मतलब कम से कम भी 150-200 रन की मैंने कहा लीड ले लेगी भाई पाकिस्तान। बट पाकिस्तान निकली भैंस की यहाँ गंदी करतूत, ये तो भाई प्रो हो चुके हैं बेइज्जती कराने में, इनको महसूस नहीं होती है। अब यार वहां से 165 रनों की पार्टनरशिप करवा दी, और वो छोड़ो मैं ये कहता हूं 165 भी चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, उसके बाद 7वां विकेट गिरता है 191 रनों पे, यहां से करीब करीब 83 रन दूर है बांग्लादेश, उसके बाद 193 पे 8वां विकेट गिर गया, यहां 81 रन दूर है बांग्लादेश, उसके बाद इन भिखारियों ने 8वें और 9वें विकेट के बीच में, मतलब 9वें विकेट के बीच की पार्टनरशिप इन्होंने 69 रनों की पार्टनरशिप करवा दी इन लोगों ने। मुझे ऐसा लग रहा है वो 165 चलो छोड़ भी दो ना भाई, ये जो 69 रन की पार्टनरशिप हुई है एबी क्रिकेट को डेडिकेट कर रहे हैं लोग, ये जो 69 रनों की जो पार्टनरशिप हुई है ये कहीं ना कहीं इनको लेकर डूबेगी भिखारियों को। अब हालात देखो, मैं पूरा हाल सुनाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। अब तुम जरा बात ये ध्यान से सुनो भाई,
अगर पाकिस्तान की 12 रनों की दियो रे मेरे को लठ दियो रे एक बार मैं ये सुधरोगे तुम नहीं सुधरोगे कभी तुम पोर क्यों नो नहीं पा रहा हूं कभी तो अब्बू को प्राउड फील करवा दो कि देखो अब्बू हमने काम करा है अच्छा अब्बू हमने गला घोट दिया सामने वाली टीम का 26 पे 6 आउट कर दिए ये देखो अब्बू हमने 75 ऑल आउट कर दिया वो ऑस्ट्रेलिया 16 पे 4 कर दी थी इन लोगों ने अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे लेकिन नहीं वहां से फिर पिल गए कैच छोड़ दी और आज भी ईशान मसूद ने भी कैच छोड़ा इसने भी ये 12वीं पास बीए फेल और मैं इनकी चिंता इन पता ही है क्यों करता हूं भाई जितने भी नए भाई लोग हैं उनको बता दूं जरा भाई मैं तो इनकी चिंता सिर्फ इसी वजह से करता हूं क्योंकि बाफू में तेरा गुस्सा चढ़ता है यार भाई यार 26 पे 6 आउट करके यार वहां से मतलब यार 262 रन कर दिए एक बार तालियां हो जाएं भाई लिप्टन दास के लिए ट्विटर पे हालांकि एक अलग ही तरीके से ट्रेंड चल रहा है कह रहे हिंदू शेर ने पेल दिया नहीं बात ठीक है लेकिन चलो बांग्लादेश का तो है ना फिर भी वो प्लेयर मैं तो उसी तरीके से उसको देख रहा हूँ लेकिन वो भी बात बिल्कुल ठीक है उसमें भी कोई झूठ नहीं है यार मतलब गजब हो गया यार भाई देखो पहले मैच में 448 रन करके पहली पारी में डिक्लेयर करके पिल गए इनको लगा बहुत है दूसरे मैच में 26 पे 6 आउट करने के बाद अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया अगर पाकिस्तान ये मैच ड्रॉ करने में ही कामयाब रहा ध्यान से सुन लो भाई हाँ या ना बताना 26 पे 6 विकेट डाउन करने के बाद अगर कोई टीम 26 पे 6 होने के बाद नहीं 26 पे 6 आउट करने के बाद अगर कोई टीम वो मैच ड्रॉ हो जाए या फिर हार जाए तो पाकिस्तान भाई उस टीम को भाई आईसीसी को बेदखल कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए ये हैंगर पे लटके हुए सफेद कपड़े की तरह रिएक्ट करते हैं इन्होंने इतनी छलांगे मारी भाई जब चौथा विकेट गिरा भाई कूद रहे हैं एक तो इंपायर का यहां से कूद गया उधर से बबरो आ रही बबरो यूं जैसे बबरू के दे दिया हो किसी ने ये देखो बबरो आ रही है बबरो उसको यूं यूं कर रही है खुर्रम को और एक बात बताओ रे भिखारियों ये नाइट वॉच नाइट वॉचमैन भेजा इन्होंने और वो सस्ता राहुल द्रविड़िया यहां नक चढ़ा था वो फेर निपट गया आज भाई नाइट वॉचमैन फिर भी ढंग से आउट हुआ है वो इतना गंदा शॉट खेल के आउट हुआ इतना लूज शॉट खेला उसने यार मतलब बंदा कोई 250 पे भी बैटिंग कर रहा हो तब भी ऐसा शॉट ना खेले इतना लूज शॉट तो तभी भी नहीं खेलता कोई भाई इतने बाहर से ड्राइव मारने चला गया वड्डा ऋतिक रोशन तो चलो ड्राइव नहीं मारता लेकिन वैसे कह रहा हूं हीरोपंती कर रहा है यार भाई नाइट वॉचमैन भेजा इन लोगों ने मैं सच्ची बता रहा हूं मैं मार्केट में था सामान खरीद रहा था कुछ सुबह कहीं जाना है ना ट्रैवल करना है और भाइयों 2 तारीख को रात को 9 बजे 9:30 बजे कोई लाइव नहीं होगा ठीक है तुम मेरी बबरों को अकेले झेल लेना क्योंकि मेरी बबरों कल पूल है मिटकाती उतरेगी हालांकि सुबह सुबह उतर लेगी मैच में पूरा देखने वाला हूं और फिर 3 तारीख को आके इनकी एस्टेसी करूंगा क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा हालांकि भिखारियों का कोई भरोसा नहीं है पता लगे भैंस की आंख सुबह सुबह एक सवाल आया दिमाग में 26 पे 6 विकेट डाउन होने के बाद अगर पाकिस्तान 26 पे 6 होता भाई ये 100 से नीचे आउट हो जाते ना भाई उधर इंग्लैंड ये जीत गए हैं भाई उसकी डिटेल पे बाद में आऊंगा है ना हो जाते ना भाई 100 से नीचे आउट इनका भरोसा नहीं है सुबह सुबह ये 2 विकेट डाउन है 8 विकेट चाहिए हैं बांग्लादेश को 12 रनों की नुन्नू सिंह लीड इन्होंने ली है अगर भिखारी मैं बता रहा हूं पूरे चांसेस हैं क्योंकि ये यहां से वीक हो चुके हैं भिखारी पाकिस्तान वाले पाकिस्तान खाने को आटा नहीं है चलाने को डाटा नहीं है पहनने को पजामा नहीं है बारिश से अगले दिन कहीं जाता नहीं है कारण पूछो तो कहते हैं दूसरा है नहीं ना खाने को ना दिखाने को ना छुपाने को ना कहने को ना सुनने को और नाइट वॉचमैन भेज रहे हैं शाख सारे इन्होंने भाई साहब बड़े बड़े पाल रखे हैं ये 26 पे 6 आउट होने के बाद ये 100 नहीं पकड़ते हैं समझदार टीम वहां से 150-200 रन की लीड लेती और भाई अगर पाकिस्तान कहीं 200 से नीचे आउट हो गया जिसकी पूरी संभावना है तो ये तो भाई कांड हो जाएगा और देखो अगर पाकिस्तान को देखो सबसे पहले तो पाकिस्तान को पूरे 3 सेशन खेलने पड़ेंगे कल के चौथे दिन के पूरे 3 सेशन खेलने पड़ेंगे अगर ये 3 सेशन नहीं खेले भिखारी और तुम्हें क्या लगता है ये 3 सेशन में 400 का टारगेट दे देंगे घंटा ये 3 सेशन में मरते कूटते पहली बात तो ये खेले ना 3 सेशन अगर इन्होंने 3 सेशन खेले तो भाई ये ज्यादा से ज्यादा 260 रन बनाएंगे वो भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं मेरे को पर्सनली पता क्या लगता है मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है भाइयों लाइक सब्सक्राइब करते जाओ जरा ठोकते जाओ बता दिया करो कि कार्यकर्ता आए हैं कोई खान खा नहीं है मतलब सब्सक्राइब करो लाइक करके बताया करो ये तो चीज और जो नए भाई लोग हैं सब्सक्राइब कर दो खींच के रखो मीटर और जिसने मैच का लुक उठाना है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो मीटर खींच के रखो 4-5 ऊपर जाना एक फाइल पड़ी वहां का ज्यादा मत बुलवाया करो ऐसे ठीक नहीं होता ये खींच के रखा करो काम ढील नहीं देनी नेटफ्लिक्स वाली क्वालिटी आती है वहां पे हाँ मैं क्या कह रहा हूं देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ना कहीं ना कहीं 170-180 के आसपास निपट सकती है इसके पूरे पूरे चांसेस हैं बाकी देखते हैं कल सुबह आधा घंटा का खेल है एक्चुअली देखा जाए तो आज भी आधे घंटा ही खराब खेली है बांग्लादेश अगर वो आधा घंटा झेल जाते भाई उसके बाद बड़े अच्छे से बैटिंग हुई है
तो ऐसा नहीं है कि पिच कोई अनप्लेवेबल है, लेकिन वो प्रेशर कौन ज्यादा बेटर हैंडल करेगा भाई? एक बात बताओ ना, अगर बंगलादेश नहीं जीत पा रही मैच, बंगलादेश कहेगी हमारे एल से हमें क्या लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ड्रॉ करके चले जाएंगे घर, तो पाकिस्तान तो इसमें पिलो ना प्रेशर। यहां पाकिस्तान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है भाई, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कभी आएगी नहीं। और एक और बात, ये होता है टीम के लिए खेलना, ये अपने 50 के जुगाड़ में नहीं था लिट्टन, ये अपने 100 के जुगाड़ में भी नहीं था भाई। अगर ये अपने 100 के जुगाड़ में होता तो ये 100 करते ही कोई एरा गेरा कोई ऐसा अजीब सा शॉट मारता और निकल जाता। इसलिए बोलता हूं जिनकी नीयत में खोट है ना, वो ये वो खड़ा उधर, वो खड़ा व्हाइट लिपस्टिक, व्हाइट लिपस्टिक। लिट्टन दास की मैंने पूरी बैटिंग देखी है, ये बंदा 4 बोले खेल रहा था, 5वीं पे स्ट्राइक दे रहा था, कई बार ये चौथी बॉल पे स्ट्राइक मतलब चौथी बॉल पे सिंगल ले रहा था। उसने इतनी लंबी पार्टनरशिप करी है भाई 9वें विकेट के लिए। तुम सोचो यार, अगर पाकिस्तान यहाँ पे 60-70 की भी लीड ले जाता ना, एडवांटेज होता भाई उनको, क्योंकि फिर भिखारियों को मरते पड़ते 150 ही करने थे और 200 रन आखिरी में चेज करने मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। तो भाई ये बंदा टीम के लिए खेला एक्चुअल में। बाबर 26 पे 6 आउट होने के बाद क्या कभी अपनी जिंदगी में ऐसी पारी खेलेगा? क्या बाबर आजम T20 का नंबर 1 इतनी देर तक रहा है, क्या कोई विराट कोहली जैसी 82 की पारी खेलेगा? घंटा खेलेगा, कुछ नहीं खेलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पीआर एजेंसी को 4 पैसे दे के अपने ट्रेंड चलवा सकता है और कुछ नहीं। सही, घटिया सा प्रोडक्ट बना के बढ़िया सी पैकिंग में बेच दिया गया ये सामान है, लोगों ने इस्तेमाल किया, लोग कह रहे आथू, उसके बाद कोई दोबारा ऑर्डर दे नहीं रहा, ये वो वाली हालत है इसकी। और पाकिस्तान टीम भाई मैं बता रहा हूँ ये खत्म हो जाएगी। अगर एक बात बताऊं, मैं सच्ची बता रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं जरा इनका पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर पाकिस्तान टीम ने कोई पाकिस्तान मैनेजमेंट ने सॉरी पीसीबी ने पजामा क्रिकेट बोर्ड ने अगर बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया, ये भैंस की ये भिखारी पकड़म पकड़ाई खेलते दिखेंगे सारे के सारे, बता रहा हूं। ये क्रिकेट तो इनके बस का रहा नहीं है भाई। वैसे भी मैं पाकिस्तान को पिछले 2 साल से कह रहा हूं, ये टेस्ट में इनरेलेवेंट टीम है, इनका कोई लेना देना है नहीं है। तुम नेपाल को व्हाइट कपड़े पहना के खिलाओ, वो टीम इनसे अच्छा खेल जाएगी। 26 पे 6 आउट करने के बाद दुनिया, मैं कह रहा हूं युगांडा को दे दो, 26 पे 6 आउट होने के बाद सिचुएशन युगांडा को संभाल दो, वो युगांडा भी 100 से नीचे रोक लेगी। और ये लंच टाइम में आए थे इनकी बकायती, सुनो अरे भाई मैं सुनो जरा तुम ध्यान से सुनो, 26 पे 6 आउट हो गए, 35 पे 6 हैं, 40 रन हो गए। कमेंट्री में पता क्या बकवास चल रही है, एक सिकंदर सिकंदर करके हैंगा कमेंट्री में, और एक दूसरा था वो अजीब सा है, वो पता नहीं कौन था, वो पता क्या कह रहा, वो दूसरा पूछ रहा उससे, कह रहा ये पाकिस्तान को फॉलोन दे देना चाहिए, दूसरा कह रहा है टपाल्टी पी रहा था वो आपको बहुत जल्दी है घर जाने की। इन भिखारियों को लग रहा था कि आज इनको ऑल आउट करके दोबारा इनको बल्लेबाजी देके शाम तक इनको दोबारा 200 रन के अंदर अंदर फिर दोबारा आउट कर देंगे, क्योंकि पूरे पूरे चांसेस थे कि भाई 70-80 तक ये ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आज लिट्टन को या फिर उसको मेहंदी को अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी, और भाई लिट्टन दास अपने करियर की मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन पारी पारी खेला है, खेला है, नो डाउट खेला है वो। और इन्होंने भाई साहब रिलाई कर दिया यार, 26 पर 6 से इन्होंने तो ये क्या, उसके पता नहीं क्या कहा, अब मन नहीं कर रहा खेलने का, अब तुम्हें जो करना है कर लो। पाकिस्तान भी लाइक यार हम प्रूव ही नहीं कर सकते अपने आप को, करना भी नहीं चाहते हो यार सिचुएशन। वो भाई ने सही कहा, युगांडा नेपाल किसी भी टीम को आप दे दो सिचुएशन, कोई भाई साहब कोई टीम बिल्कुल ही मतलब गिरते पड़ते भी ना 100 तक तो 150 तक आउट कर देती, इनने सारे बनवा दिए, 9वें विकेट की पार्टनरशिप भी करवा दी। और भाई देखो लेकिन क्रेडिट नहीं छीनेंगे, लिट्टन दास ने पारी अच्छी खेली है और नंबर वन टीम ने साबित कर दिया वो नंबर वन क्यों है, नंबर वन नहीं हो सकती, वो नंबर वन ही हो सकती है। और कैच छोड़ देंगे ये, कभी इनसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है, हवाबाजी इतनी है। और एक चीज देखना, जिस टीम में एकता नहीं होगी ना वो उस टीम में कुछ नहीं होता, जिस टीम में यूनिटी नहीं होगी वो टीम नहीं अच्छा कर सकती। जो अपने अपने मतलब के लिए खेलते हैं ना वो सिर्फ दिख जाता है, वो टीम गेम है ही नहीं उनके पास, वो टीम गेम खेल रहे हैं लेकिन वो एज अ टीम नहीं खेल रहे। हाँ। आप हमेशा ये देखना उस टीम में है ही नहीं वो चीज़, वो अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं। नहीं तो जब आप में वो होता है ना, वो पागलपन होता है, जुनून होता है, ऑब्सेशन होता है जीत का, तो वो दिखता है। वो 26 पे 6 विकेट तो इनने बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कर दी, नहीं तो यूनिटी होती है ना खुखार तरीके से, स्लेजिंग होती है आपको चढ़ के विकेट, इनकी फील्डिंग दिखा रहे थे वो, एक भाई है इन्हीं का ही पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, वो फील्डिंग पोजिशन दिखा रहे हैं इनकी, भाई कोई डोमिनेट करने वाली फील्डिंग लगा रही, डोमिनेट करेंगे, खुली पड़ी है फील्ड आगे की, ना कोई सिली पॉइंट लगा रखा ना कुछ, हवाबाजी में अपनी लगा के सिखाएगा उन्हें उनकी मर्जी। अरे गिलेस्पी फंसा हुआ बेचारा वहां पर, कह रहा मेरे को क्यूब मैन किस घड़ी में मैंने इनका वो कोच बना हुआ है साहब, वो सही है क्या बोलते हैं टप्पा बताने आता है ये तो टोपा निकले। मिलते हैं घोड़े के साथ, बाय टेक केयर।